दोस्तों 21 साल की उम्र पढ़ाई लिखाई और जॉब सर्च करने की होती है। इस उम्र में बहुत से लोग शादी जैसी जिम्मेदारियों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने तो 21 की उम्र में दो लड़कियों की मां बन सबको हैरान कर दिया था। तब तो रवीना की शादी भी नहीं हुई थी, ऐसे में समाज ने बिना ब्याही रवीना को माँ बनने पर तरह तरह के ताने मारना शुरू कर दिया था। दरअसल ये बात है साल 1995 की। तब रवीना ने बॉलीवुड में ज्यादा फिल्में नहीं की थी, वो उस दौरान करोड़पति भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दो लड़कियों पूजा और छाया को गोद ले लिया था। उनके इस फैसले से हर कोई शॉक हो गया था। लोग रवीना को तानी मार बोलते थे कि अब उन्हें करियर पर फोकस करना चाहिए। वहीं कुछ ने ये भी कहा कि अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई है और एक्ट्रेस ने दो बच्चियों को गोद ले लिया, अब कौन उनसे शादी करेगा, कौन शादी के बाद उनके साथ इन दोनों बेटियों की जिम्मेदारी भी लेगा। हालांकि रवीना ने समाज के तानों की परवाह नहीं की, उन्हें पता था कि वो जो भी कर रही हैं एकदम सही कर रही हैं। दरअसल पूजा और छाया रवीना के कजन की बेटियां हैं। कजन की मौत के बाद उनकी दोनों बेटियां अकेली पड़ गई थी। रवीना को ये भी पता चला था कि दोनों बच्चों के गार्जियन उनका ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हैं, ऐसे में रवीना उन्हें अपने साथ ले आई थी। तभी रवीना ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, उन्हें तब जो सही लगा वो उन्होंने कर लिया। उस दौरान पूजा 11 साल की थी जबकि छाया 8 साल की थी। रवीना को अपने इस फैसले का आज तक पछतावा नहीं है, उन्हें अपनी दोनों बेटियों पर काफी गर्व है। वो दोनों बेटियों की शादी भी कर चुकी हैं। बड़ी बेटी पूजा एक बच्चे की मां बन चुकी है। इस तरह रवीना महज 46 साल की उम्र में नानी बन चुकी है। रवीना ने साल 2004 तक सिंगल मदर के रूप में दोनों बच्चों की परवरिश की, लेकिन फिर इसी साल बिजनेसमैन और डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से उन्होंने शादी भी कर ली। दिलचस्प बात ये रही कि थडानी परिवार ने रवीना की दोनों गोदली बच्चियों को दिल से अपनाया और बहुत प्यार दिया। रवीना की शादी से उन्हें एक बेटी राशा और एक बेटा रणबीर वर्धन हुए। बेटी गोद लेने के फैसले के बारे में रवीना ने ये कहा कि इसके बारे में उन्होंने साल 1994 में ही सोचना शुरू कर दिया था। उन दिनों एक्ट्रेस अपनी मां के साथ वीकेंड पर आशा सदन अनाथालय जाया करती थी। रवीना की बदौलत पूजा और छाया को एक नई और अच्छी जिंदगी मिल सकी। आज पूजा एक इवेंट मैनेजर है तो छाया एयर होस्टेस है। वेल दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।